दीवा में नशेड़ी घुमंतुनी की बुजुर्ग की हत्या स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 3 दिसंबर रात 9:30 बजे के करीब दीवा पूर्व के मोबरा देवी कॉलोनी में प्रशांत नगर है, यहाँ पर एक इमारत में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति है अभिमन्यु कालू पाटिल, उम्र 67 वर्ष। इनकी एक मोहम्मद जुबैर करके नशेड़ी युवक है, उसकी पत्नी रेशमा भी उस वक्त उसके साथ थी। ये लोग कुछ चोरी के इरादे से वहाँ घूम रहे थे और उसी दौरान बुजुर्ग अभिमन्यु ने उन्हें टोका, जिस पर विवाद हो करके इन्होंने लकड़ी के डंडे से प्रहार करके अभिमन्यु को बुरी तरीके से घायल कर दिया। बुजुर्ग को कालसेकर अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया। इस वारदात को लेकर के हमारी बातचीत हुई है मुमरा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कडलक से, क्या उन्होंने जानकारी दी, देखिए। सर, कल दीवा में एक हत्या की वारदात हुई है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की, एक वरिष्ठ नागरिक की हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? कल रात को 9:30 बजे तकरीबन 9:30 बजे बॉम्बे कॉलोनी जो दीवा में है वहाँ दो मुमरा देवी कॉलोनी जी, वहाँ वो दो मियाँ बीबी आ रहे थे। एक साईकुंज इमारत है, वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ के जो बुजुर्ग है अभिमन्यु कालू पाटिल, अच्छा, उम्र उनकी 67 है, उन्होंने उनको पूछा यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो थोड़ा चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ घूम रहे थे करके उन्होंने उनको टोका। तो हाँ। उस हिसाब से उन्होंने जो आरोपी था उसका नाम है मोहम्मद जुबैर मोहम्मद रऊफ खान, अच्छा, और उसकी एक बीबी है रेशमा, उन्होंने उनको लकड़ी का डंडा था उससे हाँ। उनके सिर पे मारा, यहाँ मारा, और उनकी वहाँ गिर पड़े। लोगों ने उनको पकड़ा दोनों को, अच्छा, वहाँ से फिर हॉस्पिटल कालसेकर हॉस्पिटल में उनको लेके गए, अच्छा, वहाँ उनको डेथ घोषित किया है। रात को CR नंबर 1142-302 का केस रजिस्टर किया है और उनके ऊपर अभी उनको अरेस्ट किया है, कोर्ट में उनको रिमांड के लिए लेके गए। दोनों पति पत्नी को अरेस्ट किया है, जुबैर और उसकी पत्नी, यस, दोनों को अरेस्ट किया। सर, ये जुबैर का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा, कुछ कहाँ का है? अभी तक तो उनका कुछ क्राइम रिकॉर्ड अभी तक तो नहीं, यूपी का रहने वाला है और अभी उनका वहाँ भी कुछ यूपी में केस अगर उसके ऊपर रजिस्टर होगा तो अभी मालूम कर लेंगे। फिलहाल अभी वो रात को सुबह उनको अरेस्ट करके उनको कोर्ट में लेके गए, अभी जो भी कुछ कोर्ट का जो होगा रिमांड अवधि जो भी मिलेगी, तो अवधि में हम उसको पूरा इंक्वायरी करके हम आपको बताएंगे। ठीक, थैंक यू।